शैतान वाली हंसी थी, इतनी एकदम से आई है, एकदम से आई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, से आई लव रिदा रिदा दीदी दीदी और से देखिए चेहरा, एक केक मैंने दे दिया था, डब्बा ऊपर से लेके नीचे आया गया, दूसरा केक निकाला गया। क्या आपने एक और केक ले लिया आपने कीचू? क्यों लिया? कृष्ण माखन चुराते थे, केक चुराते हैं। एक की केक पापा को तो मैं शिकायत लगाऊंगी आपकी। अच्छा पारी कर भाई, पापा को पहले अपनी टीम में कर लिया भाई, पारी करके। स्मार्टी बॉय, अच्छा 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 अच्छा, भागी भागी, गुड बॉय। अरे बाप रे, अरे बाप रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे, क्या था उसका? मैं पहले से शादी शुदा रे। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑलरेडी मैरिड। थैंक्स। थैंक्स मतलब टू मी ना? यस। हां तो फिर इसलिए थैंक्स बोल। चलो फाइनली यू थैंक्ड मी फॉर दिस। ना खुलना अपने तसल्ली से। एक्सक्यूज मी, क्या रे, मैं एक बच्चे की माँ रे। बोलती हूँ तेरे बच्चे की माँ रे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो हम लोग निकल पड़े हैं डे टू घर देखने के लिए। आज दो घर लाइंड अप हैं, 1 बजे और 2:45 बजे। और जो जिस एरिया में हमारे फ्रेंड्स रहते हैं विक्रम और मेघा, उसी एरिया के आसपास है वो, और उस एरिया में अच्छे नर्सरीज और स्कूल्स भी हैं। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। कल जो घर देखा था वो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी छोटा था। तो इस डायरी में सारे घर की लिस्ट है जो हमने बुकिंग्स की हुई है व्यूइंग के लिए। अब एक एक करके उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे फाइनली कि कौन सा घर लेना है। लग रहा है घर रेंट करने जा रहे हैं। हाँ आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। हाँ चला जा जल्दी। आपने ले ली चाबी? चलो चलो सब मेरे पास जल्दी। प्रोफेसर दिव्या, तेरे को भी वॉलिक वाले ना बोल दें कि भाई अब तुम टीचर बन जाओ इधर। तो सवारी निकल चुकी है, डे नंबर 2 ऑफ हाउस हंटिंग। सेलिब्रिटी मिस्टर अर्जुन हरजाई विद हिज वाइफ हु इज अ प्रोफेसर। सेलिब्रिटी जिनको घर मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि और ये मैंने इंडिया से लिए थे। ये एक ही पीस इंडिया में है। इंडिया वाली चीजें बहुत लंबी चलती हैं। तो पहुंच चुके हम। इस जगह के आसपास है हम फिलहाल। ये यहाँ पे पास्ता बन रहा है। टॉर्टिलिनी।
तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हाउस नंबर 3, और हाउस नंबर 2 के बीच में और 3 के बीच में कुछ अंतर था, डेढ़ घंटे का। हाँ। तो मेघा ने हमको वैसे ही बोला हुआ था कि क्योंकि हम उनके घर के आसपास ही है कि आ जाना चाय के लिए, तो हम लोग वहीं पे थे और अब हम निकल गए हैं हाउस नंबर 3 देखने के लिए। लेकिन अच्छा घर था वो। हाँ। देखते हैं अभी भी एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। बेसिकली रॉयल लेमिंगटन स्पा जो जगह को बोलते हैं वो यही है, और ये परेड रोड मेन जो रोड होती है ना वो यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो आसपास कितनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वॉरिक का। तो हमारे हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट का अंतर था। सब आसपास ही है। इस बांद्रा की याद आ रही है ना तुम्हें? मेरे को ये देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बांद्रा आ चुका हूँ। एग्जैक्टली ऐसा एक ब्रिज है, एक ब्रिज मुझे याद है। काफी मूड खराब हुआ है अभी भी हम दोनों का, क्योंकि निहायत अनप्रोफेशनल नहीं होते वो है। अभी उन्होंने 10-15 मिनट पहले मेल किया हमको कि व्यू नहीं हो पाएगी आज। वो कह रहे चाबी नहीं आ रही आज हमारे पास, चाबी नहीं अरेंज हो पाई है। ठीक है, 5 दिन पहले कंफर्म की थी व्यू, 5 दिन में चाबी नहीं अरेंज करा पाए ये लोग। यहाँ पे ऐसा भी होता है, और एक्चुअली हम इनको बयान नहीं कर सकते कि हमारे एक एक दिन कैसा होता है। इतनी मुश्किल से हम टाइम निकाल के आते हैं। मेरी असाइनमेंट है अभी, मंडे को मैंने सबमिट करनी है ट्यूजडे को। तो ऐसा हो रखा है अभी कि एक एक घंटा इम्पॉर्टेंट है, और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि घर थोड़े अच्छे लगे थे हमें, और यहाँ पे यही है कि एकदम से निकल जाते हैं। अब देखते देखते आपको मेल आ जाता है कि नहीं ये अब अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने अभी सब बुकिंग करी थी, और ऑलरेडी हम यहाँ एक घर देखने आ रहे थे तो हमने ये भी बुक कर लिया था। सो क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट। और अब हम घर वापस जा रहे हैं, और अब मेरे पास आधा घंटा भी नहीं बचेगा पढ़ाई करने के लिए, फिर कीचू आ जाएगा। आ चुका हूँ कीचू को पिक करने। फ्राइडे है तो नर्सरी थोड़ी जल्दी छूट जाती है। केक तो नहीं लाया, मैं भूल गया, घर जाके देते हैं आपको। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे बस। आप पतक कुछ तो बोलता है आजकल ये अपने आप ही। टीशर्ट में ऐसा लग रहा है मैं एक स्कूल का बच्चा हूँ और इसको लेके आ रहा हूँ दूसरे स्कूल के बच्चे को। हैं भाई लग रहे हैं हम। इसका स्वैगी है, पांचों उंगलियों घी में, दोनों हाथ में केक, और लड़का एक हाथ से एक बाइट दूसरे हाथ से दूसरी बाइट ले रहा है। अभी डस्टबिन में फेंक के आएगा। ओले मेरा गुड बॉय। ये वेरी गुड। एक मिनट सा, ये भी तो पकड़। हाँ तो कलाकारी कर रहा है ये। कस के पकड़ो लगा। पढ़ने जा रहे हो किचन? चश्मा ले लिया तुमने? जीरो पावर है तो कुछ भी करोगी क्या? हमने काफी टाइम से प्लानिंग की हुई थी, डे पूरा प्लान किया हुआ था कि इस तरह से ऐसे करेंगे, बट
जिस चीज़ के लिए वो हमने इतना सारा टाइम निकाला था वो चीज़ हो नहीं पाई, वो घर हम देख नहीं पाए, और हमें लग रहा था कि शायद वो घर हम फाइनल कर देंगे क्योंकि जुलाई से पोजेशन लेना था उसका, और अभी से उसके पेपर वर्क शुरू करना है, यहाँ पे रेफरेंस चेक्स होते हैं, अब क्योंकि हमारी यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है एज सच, तो रेफरेंस चेक में टाइम लगता है, तो हम चाह रहे थे हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ के लिए, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। अब देखते हैं अगले आने वाले हफ्तों में फिर कुछ दूसरे डीलर्स के थ्रू हम लोग घर देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो।